नमस्कार, एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित साथियों महत्व वीडियो में प्रश्न लाए हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2022 में टीजीटी पीजीटी आर्ट का विज्ञापन हो गया है। साथियों फार्म भरना बच्चे शुरू कर दिए हैं। जो भाई बहन फार्म ना भरें वो फार्म भर ले साथियों। और जैसे कि जो इंटर प्रावधिक कला है और प्लस ग्रेजुएशन है वो फार्म को भर सकते हैं साथियों। ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी जोरों शोरों से जुट गए होंगे और अब साथ साथ में एक ऑनलाइन साथ तैयारी भी कर रहे हैं। किसी क्लास के साथ तैयारी के लेकर तैयारी करिए साथियों, क्योंकि आपको अपना एक मुकाम हासिल करना है, एक निश्चित सफलता आपको प्राप्त करना है इस बार साथियों। तो चलते हैं साथियों, जैसे कि स्क्रीन पर आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। प्रसिद्ध चित्र नीली रात ना, आप जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज आधुनिक कला समकालीन कला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आधुनिक समकालीन कला का पार्ट टू वीडियो रहेगा। तो प्रसिद्ध चित्र नीली रात 1959 ईस्वी का चित्रण किया है, तो किसने किया है साथियों, इसे पूछ रहा है। आशीष कुमार हल्दार ने किया था नीली रात, या अमीर राय का है, या मेहफ हुसैन का है, या यानियस बेंद्रे का है नीली रात। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो 27 नंबर पे हम देखेंगे जो आज का प्रश्न सही होगा। यहाँ पे जो चार ऑप्शन सही होंगे, प्रसिद्ध नीली रात जो 1959 का बनाया हुआ चित्र है, उसके जो चित्रकार हैं वो है यामिया हुसैन जी। अगला है, मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया है। तो 25 क्वेश्चन है, लगभग लगभग 25 क्वेश्चन, आप देखें कितना क्वेश्चन आपका सही होता है साथियों। तो मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया है, रजा हुसैन हल्धर या नंदलाल बोस। तो 28 नंबर पर देखेंगे साथियों। तो मदर टेरेसा का जो चित्रण करने वाले जो मुख्य कलाकार हैं आपके, वो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे साथियों, यामियाब हुसैन जी, कौन हो जाएंगे, यामियाब हुसैन। मदर टेरेसा जो चित्र बनाए थे वो यामियाब हुसैन जी बनाए थे। अगला है, थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई है। करण जौहर, एम एफ हुसैन, ज्योति भट्ट, महेश भट्ट। फिल्म का नाम है थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर, 29 नंबर पे। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर के साथ में थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर नामक जो फिल्मकार हैं, इसमें से जो एक ही फिल्म बनाने वाले कलाकार हैं वो है आपके एम एफ हुसैन जी। अगला साथियों, एम एफ हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई। एम एफ हुसैन की जो मृत्यु थी कहाँ पर हुई थी, लंदन में, कतर में, भारत में, न्यूयॉर्क में। 30 नंबर पर देखेंगे साथियों, तो एम एफ हुसैन जो है कतर, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था क्या है, भारत माता। भारत माता की जो पेंटिंग थी साथियों, इन्होंने नग्न अवस्था में बना दिए थे, इसलिए भारत देश में इनका बहुत विरोध किया गया था। और इन्होंने लास्ट में क्या किए, भारत देश को छोड़कर कतर की नागरिकता स्वीकार कर लिए। उसके बाद जाके कि लंदन में जाके क्या होती है, मृत्यु होती है। तो इसलिए कतर में न लगा के आप लोग लंदन लगाएंगे, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लंदन में थी, एम.एफ. हुसैन साहब की। अगला, कौन सा कलाकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला बनाई है। अभिनेत्री कौन है माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला बनाए, हल्धर, राजा, यामिनी राय या एम.एफ. हुसैन। तो माधुरी दीक्षित पर जो श्रृंखला बनाने वाले जो मुख्य आपके कलाकार थे साथी हो, वो थे यामियाब हुसैन जी। कौन थे साथी हैं, यामियाब हुसैन, जो माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला बनाए। अगला, किस कलाकार ने अपने करियर सिनेमा पोस्टर कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया। कौन सा वह कलाकार था जिसने अपना करियर सिनेमा पोस्टर कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया, नंदलाल बोस, यामियाब हुसैन, राजा या जॉर्ज किड। तो 32 नंबर पर देखेंगे साथ में, तो 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा, कौन सा वह कलाकार था जो करियर अपना स्टार्ट किया था सिनेमा पोस्टर के साथ और कट आउट पेंटर के साथ, तो थे आपके यामियाब हुसैन साहब। अगला, भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई। भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ क्या की प्रदर्शनियाँ लगाई थी, वह कौन सा कलाकार था जैसे पैब्लो पिकासो हो गया, ब्राक हो गए, इनके साथ जाने माने हस्तियों के साथ, चित्रकारों के साथ, उसका भी नाम गिना जाता और उसके भी प्रदर्शन के साथ लगे थे, जैसे आरा थे, किया चारा, या मैं हुसैन, के हैवर या राम कुमार जी। तो 33 नंबर मित्र देखे, तो 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो थे आपके यामियाब हुसैन, जो इनके चित्रों की प्रदर्शनियाँ पिकासो ब्राक के भी साथ लगाई जाती थी साथ ही।
हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? मित्रों कहा जा रहा है कि हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, परंपरागत, समकालीन, आधुनिक या मुगल। तो 34 नंबर पर जो आप देखेंगे तो हुसैन को जिस कला धारा के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है, कला धारा के रूप में, वो है समकालीन। अगला है, निम्न में से उस हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ रुपए का सौदा किया था? मुलायम हुसैन ने 100 करोड़ का सौदा किया था पैसे का। स्वरूप कृष्ण के साथ, स्वरूप श्रीवास्तव के साथ, अनिल अंबानी के साथ, स्वरूप संपत के साथ। 35 नंबर का क्वेश्चन हम आप देख रहे हैं साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा हुसैन जो थे 100 करोड़ रुपए का जो सौदा किए थे स्वरूप श्रीवास्तव के साथ किए थे। अगला है, मकड़ी और लैम्प के बीच 1958 ईस्वी को किसने चित्र किया था? हैदर राजा, राम कुमार, आरा या यमिया हुसैन ने? तो आप समकालीन आधुनिक कलाकार के विषय में देख रहे हैं साथियों, जो कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं साथियों। तो एक से बढ़ के एक प्रश्न, वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। तो देखिए यहाँ पे 36 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा हुसैन साहब। मकड़ी लैम्प 1958 जो चित्र किए थे यमिया हुसैन साहब। अगला है, नग्न भारत माता को किसने चित्र किया था? आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इस चीज़ को हमने पहले आपसे शेयर कर चुका हूँ, हुसैन साहब, हल्दर राजा या गणेश पायन। तो नग्न भारत माता का चित्र किसने बनाया था, जिसे भारत में क्या हुआ, बहुत विरोध हुआ, कतर की नागरिकता स्वीकार की और बाद में जाके लंदन में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो थे आपके यमिया हुसैन साहब जी। अगला, किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है साथियों? भारत का पिकासो कौन सा कलाकार है जिसे भारत का पिकासो कहा? यामिनी राय को, यमिया हुसैन को, नंदलाल बोस को, जी आर संतोष को। तो किसे भारत का पिकासो कहा जाता है साथियों? 38 नंबर पे देखेंगे साथी, तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका हो जाएगा यमिया हुसैन साहब को भारत का पिकासो कहा जाता है। ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता हैं, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है साथियों, ढोलकी नामक चित्र के निर्माता है राम कुमार, रजा, आरा या हुसैन साहब, या मैं हुसैन साहब इनका पूरा नाम है। तो ढोलकी नामक चित्र देखें साथियों, जो ढोलकी नामक चित्र को चित्र करने वाले जो चित्रकार थे वो आपके थे या मैं हुसैन साहब जी। अगला, जॉर्ज कीट का जन्म हुआ था तो जॉर्ज कीट का साथियों जन्म कब हुआ था? श्रीलंका में हुआ था, भारत में हुआ था, भूटान में हुआ था या बर्मा में हुआ था? तो 40 नंबर का है, तो जॉर्ज कीट का जो संबंध है इन देशों में से वो देश हो जाएगा आपका श्रीलंका साथियों, क्या हो जाएगा? श्रीलंका। तो जॉर्ज कीट का जो जन्म हुआ था श्रीलंका में हुआ था। अगला है, ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया है? हुसैन साहब, हल्दर, विकास भट्टाचार्य, इनमें से सभी ने। तो 41 नंबर पे, 41 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों, ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक जो चित्र सीरीज है इस बनाने वाले आपके जो मुख्य कलाकार माने जाते हैं विकास भट्टाचार्य थे। अगला है, प्रदोष दास गुप्ता हैं चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार, इनमें से कोई नहीं? तो 42 नंबर पर देख सकते हैं, तो प्रदोष दास गुप्ता जो थे एक क्या थे, एक मूर्तिकार थे। प्रदोष दास गुप्ता क्या थे, एक मूर्तिकार थे। अगला है, केसी यस पनिकर से प्रश्न है साथी, इनके जन्म के विषय में पूरा, इनका जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो 43 नंबर पर जो आपका राइट आंसर आ गया था ये होगा केसी यस पनिकर का जो जन्म हुआ था इन चारों ऑप्शनों में से वह हो जाएगा आपका 1911 में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, बैल गाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? हल्दर की, हुसैन की, रणवीर सिंह बिष्ट की या रजा की? तो बैलगाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं, तो बैलगाड़ी के जो रचनाकार हैं, चित्रकार हैं, वो आपके हो जाएंगे चारों में से यमिया हुसैन साहब जी।
अगला दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाली मूर्तिकला है। मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाली मूर्तिकार है। मूर्तिकार को खोजना है, इसमें कौन है, हिरण्यम राय चौधरी हैं, पी वी राम जानकी राम हैं, रमन हैं, हकायत गिरी हैं, दिलीप शाह हैं। तो मूर्तिकार कौन है साथियों, इसमें से जिसमें से देखिए आप जो मूर्तिकार होंगे, प्रश्न एक बार देख लीजिए। दक्षिण भारत परंपरागत मंदिर मूर्तिकला जो विशेषकर कवच और कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है, 45 नंबर का जो आपका होगा पी वी जानकी रमन जी हो जाएंगे। अगला है, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई। भारत में कोलाज प्लेट प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई। कृष्ण रेड्डी, कवल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा, चित्र प्रसाद। तो 46 नंबर पर देखिए साथ, 46 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा खा, कवल कृष्ण। वर्ड्स एंड लाइंस पुस्तक लेखक हैं कौन है, यह एक पुस्तक है तो इसके लेखक को पूछ रहा है कि लेखक कौन है इसके साथ, वर्ड्स एंड लाइन्स के, या फिर अनसूजा जी हैं, त्रिलोक कौर हैं, यश यच रजा हैं, या जी आर संतोष जी हैं। तो 47 नंबर देखिए, तो 47 नंबर पे कौन सा आंसर सही होगा साथियों, तो वह आपका हो जाएगा या फिर अनसूजा जी, कौन हो जाएंगे, या फिर अनसूजा जी। अगला, कला भवन शांतिनिकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। कारक के कला भवन शांतिनिकेतन जो है कोलकाता में है साथी, पूछ रहा है इसके मार्गदर्शी सिद्धांत क्या था। आदिमवाद था, पर्यावरणवाद था, या आदिमवाद था पर्यावरणवाद था, या प्रिमिटिव कला था, क्या था। तो कला भवन शांतिनिकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे, तो इसमें जो होगा राइट होगा आदिमवाद था, पर्यावरणवाद था। अगला है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित सही विकल्प का चयन करें। से विकल्प बड़ा हो जाएगा साथ में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ व्यवस्थित आपको क्रम कालक्रम के अनुसार चुनना है। तो मैं पढ़ते चल रहा हूँ, देखते चलिए। पहला है के जी सुब्रमण्यम, फिर उसके बाद जो चित्रकार आएंगे तैयब मेहता, फिर विमान सुंदरम, ए राम चंद्रम, पहला हो गया ऑप्शन। इसमें क्रम से सेट करना है, जो चित्रकार है उनको सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है। दूसरा है ए राम चंद्रम, तैयब मेहता, विवान सुंदरम, के जी सुब्रमण्यम, दूसरे वाले में था। अगला है के जी सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन, विवान सुंदरम। अगला है तैयब मेहता, विवान सुंदरम, के जी सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन। तो इसमें से देखिए साथ ही, तो 49 नंबर में कौन सा ऑप्शन आपका विकल्प आपका सही हो रहा है। तो 49 नंबर पे साथियों आप देखेंगे तो जो विकल्प आपका सही हो रहा है यहाँ पे हो जाएगा वो गा वाला के जी सुब्रमण्यम सबसे पहले, फिर तैयब मेहता, उसके बाद ए रामचंद्रन, फिर विमान सुंदरम थे साथियों। अगला है, अनीश कपूर की कृतियों के सृजन का सही कालक्रम चयन कीजिए। अनीश कपूर के विषय से प्रश्न साथी, इनकी जो कृतियां हैं उनका सही क्रम में चयन करना। जैसे अभी सही क्रम में आप चित्रकारों को चयन किए, उसी प्रकार से अनीश कपूर द्वारा जो बनाई हुई कृति है उसका चयन करना है। पहला है टर्निंग द वर्ल्ड आप साइड डाउन, फिर क्लाउड गेट, फिर एज एफ टू सेलिब्रेट, फिर आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन, ब्लूमिंग विथ रेड फ्लावर्स स्काई मिरर, न्यूयॉर्क। ये पहले ऑप्शन में था, इतना इसको क्रम से आपको करना है कि इसका क्रम सबसे पहले कौन चित्र किए, फिर उसके बाद कौन चित्रकार किए, तो फिर कौन चित्र किए, फिर कौन, तो लास्ट का कौन, तो पहले लास्ट का ध्यान देना है इसमें। स्काई मिरर, न्यूयॉर्क टर्निंग द वर्ल्ड, अपसाइड डाउन, क्लाउड गेट, एज इफ टू सेलिब्रेट, आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन, ब्लूमिंग विथ रोड फ्लावर्स। तीसरा है एज इफ टू सेलिब्रेट, आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन, ब्लूमिंग विथ रेड फ्लावर्स, स्काई मिरर, न्यूयॉर्क, क्लाउड गेट, टर्निंग द वर्ल्ड, अपसाइड डाउन। घवाला लास्ट का है क्लाउड गेट, स्काई मिरर, न्यूयॉर्क, टर्निंग द वर्ल्ड, अपसाइड डाउन, एज एफ टू सेलिब्रेट, आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन, ब्लूमिंग विथ रेड फ्लावर्स।
तो चारों आप लोग देख लिए, तो 50 नंबर में जो आपका राइट सही आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका गा वाला। कौन सा सही होगा? गा। इनकी जो सबसे पहले रचना थी एज एप टू सेलिब्रेट है, फिर आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन है, ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर्स है, स्काई मिरर है, फिर न्यूयॉर्क है, क्लाउड गेट है, फिर टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड अप डाउन ए लास्ट का है। टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड अप डाउन ए लास्ट का है, ये सही हो जाएगा आप सब। अगला है भारतीय अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आज का साथ, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित? अमिता शेरगिल, योगी सरोजपाल, अर्पणा कौर, माधवी पारे। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित हुआ है? 51 नंबर दे रहे थे, 11 नंबर का जो राइट आंसर भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है तो हो जाएंगे आपके अमृता शेरगिल जी। कौन हो जाएंगे साथियों? अमृता शेरगिल जी, ये भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित हुए हैं। आप जानते हैं इनका जन्म जो था हंगरी में होता, शिक्षा इनका पेरिस में होता, एक प्रकार से विदेशी है लेकिन ये यहाँ के भारत में कला शिक्षा यहाँ जनता है। लोरा की गुफाओं से प्रभावित है, फिर यहाँ के गोरखपुर में बस गई, वहाँ पर भी चित्रकारी की, ठीक, बाद में पाकिस्तान लाहौर में जाकर इनकी मृत्यु होती है। तीन साथ आज के आखिरी लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे आपको लगने के साथ ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में भाई बहनों साथियों सगे संबंधियों के पास वीडियो को शेयर करिए, फ्री क्लास फ्री का लाभ उठा सके साथियों। धन्यवाद।